मैं बनाऊ मैं पक्का मैं बोलता रही हूँ नहीं ना मैं बोलूंगा ना भाई ये देखो जरूरी थोड़ा यार मेरे चैनल पे अब आके ये भी तो बोलते तो मैं सोच रहा हूँ मैं भी बोल दूँ तो यार ये अभी मैं यार क्या मैं लगा रखा है मैं बोलूँ बोलो भाई तुम बोलो ठीक है तो दोस्तों यार अब ना तो दोस्तों यार किसी का ड्रीम होता है यार मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा ड्रीम तो वैसे इनका था हर किसी का ड्रीम होता है गर्ल्स का भी लड़कों के भी बहुत सारे होते हैं तो इनका एक छोटा सा ड्रीम था आप इन वो खुशी ना इनसे सुन लेते मैं बोल नहीं पा रहा वो खुशी ना इनसे ही सुन लेते मुझे बोलना नहीं आ रहा वो खुशी ये समझ सकती है हम तो भैया साथ में चलेंगे झोला उठाते हुए तो गाइस आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही स्पेशल व्लॉग होने वाला है क्योंकि हम लोग लाइक आपको पता है एक लड़की का ना सपना होता है कि वो अपनी सेविंग्स इकट्ठी करके ना गोल्ड परचेज करे गोल्ड क्या मतलब डायमंड परचेज करे और मतलब होता है बहुत सारे क्रेज होता है आप कह सकते हो तो आज मेरा भी एक छोटा सा सपना था यही छोटा तो नहीं बड़ा जो भी लगा लो मेरा भी एक सपना था कि मेरे पास ना खुद की सेविंग्स की ना वो डायमंड रिंग होनी चाहिए तो अब मैंने उसके लिए थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे कर लिया मतलब मेरे को 7 महीने लग गए आप मेरे को बोले दो आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से मैं बोल रही ना तो आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से पूरे 7 महीने में मैंने अपनी डायमंड रिंग के पैसे इकट्ठे कर लिया तो मैंने उसमें बहुत सेविंग्स किया है इसलिए व्लॉग है बहुत ही स्पेशल होने वाला है और आप किसी किसी को लग रहा हो हम लोग ये चीज़ें शो ऑफ कर रहे हैं तो ऐसा मत सोचना क्योंकि आपको हम लोग फैमिली मेंबर्स मानते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली मेंबर्स से हर चीज़ शेयर करनी बहुत ही जरूरी है खुशियाँ भी और दुख भी ये एक तरीके से ये वो तोहफा है जो आप लोगों की वजह से रिट्स को मिला है तो इसलिए इन्होंने सोचा कि यार ये वाली चीज़ अपनी फीलिंग इनके साथ शेयर जरूर करनी चाहिए तो थैंक यू सो मच दोस्तों आप लोग इसी तरीके से प्यार बनाए रखो ताकि हम आपके सपोर्ट से अपने छोटे छोटे से ड्रीम्स पूरे कर सके और लाइफ में आगे बढ़ते रहे आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहे तो आगे बढ़े तो हाँ इसलिए हम आज एक डायमंड प्यारी सी डायमंड रिंग लेने जा रहे हैं और अभी कमेंट करने वाले सारे कि ये रिट्स के फेस को क्या हो गया टाइम लगाती है भाई मैं तो जाने वाला नहीं था लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं चलना है भाई मैंने कहा चलो यार डर लगता है मुझे शॉपिंग मतलब थोड़ी देखते हैं यार आगे क्या तो अभी से डर लग रहा है तो चलते हैं हम थोड़ी सी शॉपिंग करते हैं और आप लोगों को भी घुमाएंगे आज हाँ थोड़ा फेस के लिए कह रही थी क्योंकि लोग कमेंट्स करेंगे मुझको पता है इसलिए मैं सोच रही हूँ हम पहले ही बता देते हैं आप बता दो क्या हुआ फेस तो ऐसा हुआ था कि एक पार्लर था जहाँ पे अक्सर काम वाम कराती है तो वहाँ पे कोई अनट्रेंड स्टाफ आ गया था गलती से उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं थी तो गलती से इनके फेस पे ना वैक्स अप्लाई कर दी थी तो इसका नेगेटिव भी हुआ और पॉजिटिव ये हुआ कि आप में से जितने लोग देख रहे हैं गर्ल्स एंड गर्ल्स तो वो अपने दोस्तों को आपस में बताएं कि प्लीज गर्ल्स फेस पे वैक्स ना करें तो थोड़ा बहुत ना जलन से कुछ मार्क्स बन जाते हैं तो बहुत माइनर सी धब्बे हो गए यार माइनर सी चीज नहीं है धब्बे हो गए बहुत ज्यादा तो मैंने पिछले 7 दिन से भी शूट नहीं करा ठीक है तो प्लीज फेस पे अप्लाई मत कराना वैक्स वरना ऐसा ही हो जाएगा तो ये आप लोग ध्यान रखना इस चीज का बढ़ते हैं वीडियो में आगे की और देखते हैं वीडियो में क्या होने वाला है कैसा होगा ये व्लॉग लेट्स सी आओ यार मुझे ना तुम बता देना वहां पे कैसे रिएक्ट करना है क्योंकि मैं हंसता रहता हूं ना ज्यादा बोलना तो नहीं है बोल लो तो बोल लेना नहीं बोलना मत बोलना भगवान ने मुंह दिया बोलने के लिए बोल लो यार मतलब एक्साइटमेंट हो रही है ना कभी गया नहीं ना वैसे तुम तो ऐसे फील करा रहे हो जैसे व्लॉग स्क्रिप्टेड हो रहा है पता नहीं है सब सबको ऐसे लगेगा व्लॉग भी स्क्रिप्टेड बना रहे हो जबकि व्लॉग स्क्रिप्टेड होता है कपड़े की चॉइस होती तो मैं कर देता लेकिन ऐसी कोई चॉइस तुम रिंग की चॉइस नहीं कर सकते क्या अरे यार मतलब हो नहीं पाती ना कोई ये चीज अभी कर ही नहीं रहा यार कर लेना अभी तुम्हारी होने वाली जो पत्नी होगी ना जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है तो तुम उसको रिंग गिफ्ट करोगे ना तो अभी तुम्हें एक्सपीरियंस हो जाएगा कि लड़कियों को कैसी डायमंड रिंग्स पसंद होती है तो अभी मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी चीज मतलब चूज करने के लिए मैं मतलब एक्सपीरियंस दे रही हूँ समझ रहे हो ना ये मेरी गर्लफ्रेंड पे भी ले लो आप मेरी गर्लफ्रेंड देख सकते हो बेचारी खड़ी हुई है साइड में हवा के साथ साथ घटा के संग संग अरे रे वो साथ ही चल देखो गाना आता नहीं है मुझे मुझे के साथ ही चल तू लो हाथों में हाथ चल तू और साथ ही चल ला 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 सो गाइस वीडियो स्टार्ट होने से पहले आज मैं आपको घर से ही पैसा कमाने और ऑनलाइन एंजॉय करने के शानदार तरीके के बारे में बताना चाहती हूँ इससे मैं पर्सनली अपने फ्रेंड्स के साथ रेगुलर बेस पे यूज़ करती हूँ और आज हम बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म forabet.com पर ब्लैक जैक गेम खेलकर पैसा कमाएंगे ठीक है मैंने पहले ही खेलना शुरू कर दिया जैसा कि आप देख सकते हो डीलर ने हमें हटा दिया ये अच्छा कार्ड है हमारे पास अब जीतने के हाई चांसेस है और डीलर के पास 3 है आओ देखते हैं कि अब हमें क्या मिलेगा डीलर के पास 11 14 यस
बहुत सारे डीलर के पास 23 है। वाओ, 15 सेकंड में 10,000 रुपए हो गए। सो गाइज, मैंने आपको 15 सेकंड में, सिर्फ 15 सेकंड में 10,000 रुपए कमाने का तरीका दिखा दिया है। मुझे यकीन है कि आप भी ऐसा कर सकते हो, इसलिए मुझे लगता है कि ये बेस्ट टाइम है डिस्क्रिप्शन में दे गए लिंक पे जाकर फॉलो करने का। डिपॉजिट करो और मेरी तरह कमाना शुरू कर दो। और हाँ, अगर मेरे लिंक से रजिस्टर करोगे तो आपको अपने डिपॉजिट पर forabet.com की तरफ से गिफ्ट के थ्रू 5,000 तक का मिलेगा। और मुझे नहीं लगता आप वेट करने का कोई और रीजन रह गया, तो अंदर आ जाओ, अर्न करना स्टार्ट कर दो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो हम मतलब शॉप के बहुत ही ज्यादा नजदीक है। थोड़ा बहुत एक्साइटेड यार, मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने अपनी मतलब मेहनत करके 7 महीने में एक डायमंड रिंग के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा? कैसी बात कर रहे हो। एरिक कैमरे के पीछे है, एरिक से बोल चाल कर लो। मैं एरिक कहेगा मैं बोर हो गया। कैसा लग रहा है आपको, आप पीछे हो? एरिक, आपको कैसा लग रहा है, आपकी बहन ने पैसे इकट्ठे किया है 7 महीने और डायमंड रिंग लेने जा रही है फाइनली आज? मुझे तो मुझसे पूछो भाई, एरिक तो बताता ही नहीं है, मैं बताता हूँ। मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि मैं उसे बता नहीं सकता मुझे कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा, बस यही तो काम था। बता दो भैया, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि मैं बता नहीं सकता मुझे कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन यार, दिल में खुशी है कि मेहनत करने की जो खुशी है वो उनके चेहरे पे मैं अलग से देख सकता हूँ। खुशी नहीं देख रहे, दवाई देख रहे हो मेरे चेहरे पे। खुशी और दवाई दोनों दिख रही है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कोई बात नहीं, खुशी है यार, अच्छा हो जाएगा, सारे रंग अपने होते हैं। तो आपको क्या लगता है डायमंड रिंग कितने की आ जाएगी? मुझे इस बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। देखो, ये वाली तो मैंने पहले ली थी, ये जो दो है ये भी डायमंड रिंग है, तो मैंने पहले परचेज की थी। अच्छा। तो आज मुझे थोड़ी से ना मतलब ज्यादा वेट की चाहिए। ज्यादा वेट की आइडिया यही होगी, 30,000-40,000 डायमंड रिंग 30,000-40,000 में थोड़ा आएगी, अमाउंट बिग होगा। लेट्स सी, डिपेंड ऑन यू। कोई बात नहीं, अगर ज्यादा की लगेगी ना हमको, तो हम 2 महीने और मेहनत करके और अच्छी वाली लेंगे। सही है ना? ठीक है, देखते तो क्या होता है। आप मास्क लगा लो पहले, क्योंकि मेरे फेस पे तो मैंने दवाई लगा रखी है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आजाद पंछी की तरह घूम सकती हूँ। मैंने इनको 12 पूछता हूँ कैसे करके आता है। अभी 12 नहीं आया। सो यश कह रहे हैं कि मुझे भी थोड़े पैसे इकट्ठे करके ना अपना आईफोन 12 लेना, लेकिन अभी देखते हैं आया या नहीं आया। हम तो आईफोन के शोरूम के बाहर ही है, लेट्स सी। तो मैं यही वेट कर लेती हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो जाओ। देखते हैं यार, ये कहीं ऐसा हो, ये तो दिमाग बंदा, इसका बंदे का दिमाग ही खराब है, कहीं ले ही आए 12 उठा के। Few moments later. So guys, finally, हम लोगों ने जो हम लेने गए थे हमने ले लिया है। दिखाने तो दो ना, मैंने लिया क्या यार। चलो पहले आगे चल के देखेंगे। नहीं नहीं, अभी दिखाऊंगे मैं, खुश होना। बैठ जाता है यार देखो, मैंने फाइनली अपने पास से ले लो ले लो मतलब यार। सो हम इसे ओपन करने वाले हैं। ये मैं लेके भाग जाऊंगा, मुझे पार्टी चाहिए। सुपर सेक्सी ब्रो, और हम कॉफी भी लेके आए हैं अंदर से, अमेजिंग। कैसी है कमेंट करके बता देना। रिट्स ने आप लोगों की वजह से एक डायमंड रिंग आज परचेज कर ली है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, और होपफुली आप भी बहुत खुश होंगे, क्योंकि हम लोग फैमिली मेम्बर्स हैं, और हम एक मतलब आप लोगों का प्यार है। हाँ, इनके हाथ में, इनकी उसमें, मतलब एक अजीब सा था। और सॉरी गाइस, यार अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए हम आपको दिखा नहीं पाए, अंदर का व्यू नहीं दिखा पाए हैं। वेल, कोई बात, सिर्फ बाहर का आपको दिखाया है, बैकग्राउंड जैसे कि आप देख सकते हो, हमने यहाँ से परचेज किया है। तो रिच काफ़ी खुश है, और जब ये पेमेंट कर रही थी तो एक दो आंसू भी थे इनकी आंखों में, वो फीलिंग यही समझ सकते हैं। मैं तो बस साथ में खड़ा हुआ था, मुझे बैग संभालना था, और मैं एज अ बॉडी गार्ड, तो इन्होंने पहले ही खोल दिया। कोई बात नहीं, ये मैंने अपनी खुद की कमाई से लिया तो क्या हुआ, लेकिन मैं अब मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बंदा है जो कि है ये यश चौधरी, ठीक है। इससे ऊपर मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई लड़की दोस्त नहीं है, कोई लड़का दोस्त नहीं है, सिर्फ यही है जो है बेस्ट बडी। तो मैं चाहती हूँ कि ये मुझे पहना दे रिंग। मैं सोच रही थी कि मैं तो पहनाऊंगा यार, थैंक यू, दिखाओ दिखाओ। चढ़ गया, मैं तो ये तब से सोच रहा था गाइस कि मैं हमेशा सोच रहा था कि मैं रिश्तों को, यार अपनी कोई बात नहीं, ऐसी कर लेता हूं। अपनी कॉफी रखो, मेरी बात सुनो, ऐसे मुझे अच्छा लग रहा, तुम पहना रहे हो तो नीज पे बैठ के पहना दो, तो मुझे फीलिंग भी तो आए कि चल ऐसे ऐसे ऐसे। ये लड़की तो जज्बाती हो रही है यार आज।
ठीक है, दे दो इस वाली में, इस वाली में। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। प्रेशर लगाओ, मैंने थोड़ा फिटिंग के लिए ना यार, मुझे डर लगता है ना गोल्ड वर्ल्ड खोने का, इसलिए। नाइस, ऐसे तो जब एक बार ऐसे करके हाथ, वाओ। चूमना चाहते हो आज? नहीं, ज्यादा जज्बाती हो गई है भाई, मुझे पार्टी चाहिए फटाफट, जल्दी चलो। पार्टी चाहिए, ले लो पार्टी, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं हम पार्टी की तरफ। पार्टी आज तो पार्टी है। दे रही हूँ कॉफी पी लूँ। पार्टी के लिए जा रहे हैं, तो आप मुझे पार्टी में क्या खिलाने वाले हो? आप क्या खाना चाहते हो? यहाँ पे कुछ नहीं, बस एक कप क्या खाना चाहते हो? एक कप चाय पिला देना, एक मशरूम रोल खिला। देखो रिंग महंगे है, तो इतनी सस्ती पार्टी देने में तो मुझे भी शर्म आएगी ना। मैं अपने पेट के अकॉर्डिंग मांगता है ना, तो मेरा पेट गरीबों वाला पेट है। तो यार देखो, मैं तुमको ना यहाँ के ना जो सबसे फेमस है ना वो खिला देती हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मशरूम रोल हमेशा, जैसे तुम इतने दिनों से बोल रही थी, तो मशरूम रोल खाने चल लो। यार देखो, है ना, मैटर नहीं करता मशरूम रोल, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों की ना खुशियाँ जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तुमको सेलिब्रेट। और इसीलिए बस आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं हम छोटी छोटी खुशियाँ। बिल्कुल, तो चलो चलते हैं पार्टी। मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे हो गए जिनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है डायमंड रिंग लेना, लेकिन मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी बात है। अपनी अर्निंग से लेना बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है। बिल्कुल, तो मेरे लिए छोटी खुशी नहीं है, बहुत बड़ी खुशी है। तो रब ऐसे ही सबको उनके ड्रीम्स के लिए पूरा कराए, और उनपे प्यार बनाए रखे, और ड्रीम्स देखते रहो और मेहनत करते रहो और अच्छे अच्छे रास्तों पे चलते रहो। बिल्कुल, तो फिर मशरूम रोल पक्का? मशरूम रोल पक्का, ठीक है, डन। So guys, तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, ये तो थक चुके हैं। कुछ दर्द से पूछे मेरे पेट के हाल, मेरे पेट से पूछे मेरे दर्द का हाल, तो फाइनली मैं मशरूम खाने के लिए आ चुका हूँ। कैसे हो आप? भैया को दिखा दो, इनके जो मशरूम रोल बहुत ही अच्छे हैं। आप आओ तो यहाँ पे तो विजिट कर लेना लाजपत नगर में, तो भैया मशरूम रोल मिल जाएगा आपके पास। तो एरिक मशरूम रोल तेरा भी, तो तीन मशरूम रोल कर दो अभी, तीन मशरूम रोल कर दो। प्याज मत डालना है, तुझमें प्याज डालना है एंड अनियन, प्याज नहीं डालनी, एक में प्याज हो गए और बाकी दो में नहीं। हाँ बना दो। कैसा लग रहा है आपको रोल, मशरूम रोल? भाई बस पूछो मत यार, आज खुशी बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब खाते तो मैं वैसे भी था, लेकिन किसी चीज के आने की खुशी और उसके सेलिब्रेशन में जो मजा होता है ना, छोटी छोटी चीजें वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है यार हमारे लिए। तो इस रोल क्या चलेगी बात, तो आपको हैप्पी एंड थैंक यू सो मच यार एंड कांग्रेचुलेशन। आपको बुरा तो नहीं लग रहा मैं आपको सस्ती जगह पे लेके आ गई हूँ? नहीं नहीं, जगह सस्ती नहीं होती, फीलिंग बहुत कीमती होती है। हाय हाय, क्या बात है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, और आई एम सो लक्की कि मैं आपके साथ में गया वहाँ पे, वो मेरी ही चॉइस की है। तुम ये बोलना चाहते हो कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे मतलब इतनी इंपॉर्टेंस दी कि मैंने चूज किया आपकी रिंग। हाँ थैंक यू सो मच, इन्होंने मुझे एज अ गेस्ट अपने साथ में लेके गए, सो आई डोंट माइंड यार। नहीं 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 नहीं, चलो आप लोग भी खा लो मशरूम रोल। आपको मैंने बताया यहाँ पे आ जाना जब आपको मशरूम रोल खाने हो, बहुत अच्छे हैं। तो अब कहाँ जा रहे हैं हम, फुल शॉपिंग हो चुकी है, हर चीज़ हो चुका है, खाना भी खिला दिया तुम्हें, पार्टी भी दे दी, मशरूम रोल भी खिला दिया, सब खिला दिया, अब क्या चले हम घर की ओर? तो और कहीं नहीं जा रहा घूमने फिरने? नहीं यार आज इतना ही काफी है, थक गए यार। हाँ थक तो मैं भी गई। चलो एक काम करते हैं, घर चलते हैं, फिर सबसे घर पे बात करते हैं, ठीक है? तसल्ली से रिंग देखेंगे, तसल्ली से रिंग देखेंगे, ओके, और दिखाएंगे भी। हाँ दिखाएंगे देखेंगे, वही एक बात है। मैं तो डर रहा था कोई छीन ना ले यार हाथ से। अच्छा छीनी तो नहीं किसी ने। चलो घर चलते हैं, So guys, कैसे लगे आप लोगों को ये व्लॉग? आई होप आप लोगों को ये व्लॉग स्पेशल व्लॉग बहुत ही पसंद आया होगा। तो आपको पता ही है हमेशा की तरह क्या करना है, पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और हम दोनों के चैनल को सब्सक्राइब करना है। इनके चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी बता देना कमेंट करके आपको मेरी ये मेहनत से कमाई हुई 7-8 महीने के पैसों से खरीदी हुई रिंग आपको कैसी लगी है। आज भी बहुत अच्छी नींद आएगी, और मैं तो चला ही नहीं यहाँ पे छोड़ के अपने घर। हाँ ठीक है, एंजॉय योर डे, बाय बाय, गुड नाइट। जल्दी बोल दो लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए, लाइक करें शेयर करें, और बिना सब्सक्राइब करें मत जाना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। अगला व्लॉग जल्दी, अगला व्लॉग जो आने वाला है बहुत ही स्पेशल आने वाला है, वो इनको भी नहीं पता है। आप बताओ कमेंट करके कि हमें कहाँ आना चाहिए जहाँ थोड़ी इस टाइम पे ठंड हो और इंडिया में ही हो जगह। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, लव यू ऑल।